नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गोपाल दत्त है। मैं व्यावसायिक अध्ययन विद्या शाखा उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में कार्यरत हूँ। आइए आज के व्याख्यान में हम आगे बढ़ते हैं। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग और मैनेजमेंट के बारे में। हमारा विषय है इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग, लेक्चर नंबर 2। देखते हैं आज इस व्याख्यान में हमारा एजेंडा क्या है, हम किन किन चीज़ों पर बातचीत करेंगे। मुख्य रूप से आज हम बात करेंगे रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट बिटवीन डिजिटल एंड ट्रेडिशनल मार्केटिंग। ट्रेडिशनल मार्केटिंग और जो डिजिटल मार्केटिंग है, इसमें रिटर्न और ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरा, हमारा जो मुख्य उद्देश्य है आपके साथ आज जो हम चर्चा करेंगे, न्यू ट्रेंड्स क्या क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग पर, जिनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है, और कुछ मुख्य बिंदु पर भी हम बातचीत करेंगे डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर। आइए बात करते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स। अगर हम कहीं पर इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम अपनी पूंजी जो है खर्च करते हैं, कहीं पर निवेश करते हैं, तो हम ज़रूर आशा करते हैं कि उससे हमें अच्छी रिटर्न्स मिलें। तो अगर हम कुछ चीज़ें डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर खर्च करते हैं, तो हम उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमें किस तरह का जो है रिटर्न मिल सकता है, या जो हमें उस खर्च किए हुए इन्वेस्टमेंट जो हम कर रहे हैं अपने मार्केटिंग पर, उससे जो हमें रिटर्न मिल रहा है, उसको हम मेजर कैसे करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे क्या हमें इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ों पर हम बात करेंगे। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में जो आपको ROI, जिसको हम बोलचाल में रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उसको मेजर करने का, उसको ट्रैक करने का कोई फिक्स पैरामीटर नहीं है। आपने, उदाहरण के लिए हम आपसे साझा करते हैं, आपने एक अखबार में एड दिया, तो आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात नहीं कह सकते कि उस एड को देख करके आपके बिजनेस में कितनी बढ़ोतरी हुई। तो ये एक उदाहरण हम आपको देना चाह रहे हैं, जिसको हम कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। हो सकता है उस एड को कुछ ऐसे लोगों ने पढ़ा जिसको समझ में नहीं आया, जिसके लिए वो एड किसी मतलब का ही नहीं था। सपोज मैं एक कॉलेज चलाता हूँ, मैंने उसमें ऐड दिया कि एडमिशन ओपन है, आप आइए मेरे कॉलेज में एडमिशन लीजिए, लेकिन उसको ऐसे लोगों ने पढ़ा जो पढ़े लिखे मतलब जो एडमिशन के लायक नहीं है, या जिनकी उस एड से जिनको कोई खास लेना देना नहीं। तो इस तरह की बातचीत आज हम करने वाले हैं कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या चीज़ होती है, डिजिटल मार्केटिंग पर इसका क्या रोल है, हम उसको कैसे मेजर कर सकते हैं। दूसरा, जो SEO है, जिसको हम बोलचाल में सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं, इसका सरल शब्दों में आशय इस बात से है कि अगर कोई सर्च इंजन, अर्थात उदाहरण के लिए गूगल है, याहू है, बिंग है, ये इंटरनेट पर सर्च इंजन की भूमिका निभाते हैं, इन पर आपकी वेबसाइट को सर्च करें, तो आपकी वेबसाइट कौन से रैंक पर आएगी। तो हम बात करने वाले हैं कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है, उसका SEO के साथ क्या लेना देना है, क्या अगर हम अपनी SEO की रैंक बढ़ाने के लिए कुछ खर्चा करें, कुछ इन्वेस्टमेंट करें, क्या हमें वो लाभ दिलाएगा, तो ये हम बात करेंगे। आगे बढ़ रहे हैं हम। ट्रेडिशनल मार्केटिंग इज़ वन वे एंड इट्स मेन पर्पज इज़ फॉर ब्रांड अवेयरनेस। देखिए, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की भी अपनी खूबी है, उसकी बेहतर खूबी क्या है कि वो ब्रांड अवेयरनेस पर ज़्यादा ध्यान देती है, लोगों को पता लग जाता है, तमाम सारे इश्तिहार छपेंगे, हमें पता लग जाए, अच्छा ऐसा भी है। दूसरा, व्हाट मीडिया विल यूज टू इंक्रीज योर ब्रांड अवेयरनेस। जाहिर सी बात है, मीडिया से हमारा जो है ब्रांड अवेयरनेस बढ़ता है, और साथ में हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बिजनेस भी ग्रो। ब्रांड अवेयरनेस का मतलब है कि हमारा बिजनेस भी ग्रो कर रहा है, लोगों को पता लग रहा है, लोग उस चीज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे वो प्रोडक्ट्स हों या फिर सर्विसेज हों। वाइल ट्रैकिंग एंड मेजरिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने जो ROI है उसको मेजर करना चाह रहे हैं, ट्रैक करना चाह रहे हैं, ताकि आप जो फ्यूचर स्ट्रेटेजी है वो कैलकुलेट कर सकें, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आप अपना जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं किस पर, मार्केटिंग पर, उससे आपको क्या लाभ मिल रहा है, उससे आपकी सेल में कितना इंक्रीजमेंट आ रहा है, आपके रेवेन्यू कितने जनरेट हो रहे हैं, तभी तो आप खर्चा कर पाएंगे। तो इस तरह की जो चर्चा है, उसको कह सकते हैं हम कि ROI को मेजर करने का। ROI इज़ नॉट प्रियोरिटी इन दैट केस। जहाँ पर हम क्या बात करते हैं, हमें एक्सपोजर चाहिए मार्केटिंग पर्पज़ के लिए, लोगों तक पहुँच चाहिए, तो इन सब चीज़ों पर हम आगे बात करेंगे। डिजिटल मार्केटिंग इज़ मेड अप ऑफ लॉट्स ऑफ मूविंग पार्ट्स। डिजिटल मार्केटिंग कोई एक टर्म नहीं है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट या सब कंपोनेंट इंक्लूड हैं। उदाहरण के लिए SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑटोमेशन एंड मैनी मोर। हम आगे इन पर बात करने वाले हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के। न्यू टेक्नोलॉजीज, टेक्निक्स एंड एवर चेंजिंग गूगल एंड फेसबुक एल्गोरिथम्स कीप मैनी डिजिटल मार्केटिंग टीम्स ऑन देयर टूल्स। तो बहुत सारे जो मार्केटिंग कैंपेन्स हैं, जो मैंने बिग ब्रांड के नाम लिए, इन्होंने चीज़ों का परिदृश्य बदल दिया है, डिजिटल मार्केटिंग को एक अलग तरीके से परिभाषित कर दिया है।
एज वी एंटर्ड इन अ न्यू डिकेड एंड टेक्नोलॉजी कंटिन्यूज टू चेंज इन अ रैपिड पेस। आज के समय में ये जानना बहुत जरूरी है, टेक्नोलॉजी का हर बिजनेस पर प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रभाव है। वो प्रभाव नकारात्मक भी हो सकते हैं, बशर्ते हमने बींग अ टेली मार्केटर, बींग अ पर्सन ऑफ टेक्नोलॉजी, उन सब चीज़ों को अपने पक्ष में ढालना है। हम डिजिटल मार्केटिंग से लाभ उठा सकें बजाय उससे हमें कुछ हानि हो सके। जैसे हमने बात करा कि जो टेक्नोलॉजी है वो एक अलग तरीके से पेश आ रही है, एक रैपिड पेस से हम चीज़ों को देख रहे हैं, तो हमें उनको अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये इस लेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से हम आपके साथ साझा करना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, डिजिटल मार्केटिंग में और हम क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे हमने बताया डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स पर हम बात करेंगे, क्या क्या ऐसे कंपोनेंट्स हैं जो हम देख रहे हैं आज के समय, ठीक है, उन पर हम बात करने वाले हैं, जिसको हम ट्रेंड्स भी कह सकते हैं। न्यू ट्रेंड्स क्या हैं डिजिटल मार्केटिंग पर। पहला हम बात करें वॉइस सर्च। वॉइस सर्च एक बहुत बेहतरीन चीज़ है आज के समय में। वॉइस सर्च इज इन पॉपुलर, राइजिंग इन पॉपुलरिटी, इसकी पॉपुलरिटी बढ़ रही है। मुझे कुछ ढूंढना है, बजाय मुझे लिखने में ऐसा लगता है कि लेजीनेस आ रहा है, आलस आ रहा है, तो मैं बोल देता हूँ। आप यूज़ करते होंगे अपने मोबाइल डिवाइसेस को, इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइसेस पे आपने बहुत बार यूज़ किया होगा। आप कुछ भी उस पर पूछते हैं वो ढूंढ के ले आता है। तो कैमस्कोर का ये मानना है कि ऑनवर्ड्स, मतलब 2020 ऑनवर्ड्स, 50% जो क्वेरीज हैं वो वॉइस बेस्ड हो जाएंगी। ये बहुत बड़ा एक 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 चेंज है। दूसरा, आपने नाम सुना होगा अमेजन एलेक्सा का, जो सिंपली हम बोलचाल में एलेक्सा भी कहते हैं। आपने टेलीविजन पे बहुत सारे इसके एड देखे होंगे। इज अ वर्चुअल असिस्टेंट बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी टेक्नोलॉजी। ये क्या है एलेक्सा, क्या है, एक 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 वर्चुअल असिस्टेंट है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर बेस्ड है। ये क्या क्या काम कर सकता है, मैं कुछ उदाहरण आपको देता हूँ बहुत संक्षिप्त रूप में, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों तक पहुंच बना सकें इस व्याख्यान के माध्यम से। तो जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ कि जो एलेक्सा है, जो वॉइस असिस्टेंट है, जो टेक्नोलॉजी, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है, आने वाले फ्यूचर में ये हमारे बिजनेस को, हमारे सराउंडिंग को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। देखिए ये क्या क्या काम कर सकता है, ये वॉइस इंट्रैक्शन कर सकता है, म्यूजिक प्लेबैक का काम कर सकता है, ठीक है, टू डू लिस्ट क्रिएट कर सकता है, सेटिंग अलार्म्स ऑटोमेटिक काम कर सकता है, इतने सारे काम, स्ट्रीमिंग पॉडकास्ट कर सकता है, प्लेइंग ऑडियो बुक्स कर सकता है, प्रोवाइडिंग वेदर, ट्रैफिक, स्पोर्ट्स इत्यादि के बारे में आपको जानकारियाँ दे सकता है, और साथ ही साथ आपके होम ऑटोमेशन को भी कंट्रोल कर सकता है। तो आने वाला समय हम जो देख रहे हैं वो टेक्नोलॉजी से भरा पड़ा है। तो हम अगर ये चाहें कि हम अपनी चीज़ों को बिजनेस में उसका लाभ उठा सकें, तो हमें टेक्नोलॉजी की तरफ भी जाना चाहिए। मैंने बिजनेस जो ट्रेंड हैं, जो डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेंड्स हैं, उसमें एक ट्रेंड आपके साथ साझा किया, इस कॉल्ड वॉइस सर्च। आगे बढ़ते हैं, दूसरा हम बात करने वाले हैं वॉइस सर्च के बाद हम आगे बात करेंगे शॉपेबल पोस्ट्स। ये बहुत कॉमन चीज़ है, आपने देखा होगा कि आपके जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे ऐसे पोस्ट लोग क्रिएट करते हैं, ऐसे पेज बनाते हैं इन इन ब्रांड्स के माध्यम से, जहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट्स को, अपने सर्विसेज को जो है प्रमोट करा जाता है। एज यू नो द सोशल मीडिया इज़ अ ह्यूज पार्ट ऑफ ऑनलाइन मार्केटिंग, ये हम सब जानते हैं। दूसरा, 60% ऑफ इंस्टाग्राम यूजर्स, एक सर्वे के माध्यम से 60% इंस्टाग्राम यूजर्स ये मानते हैं कि नए प्रोडक्ट्स की जानकारी उन्हें सोशल प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलती है। ये कितना बड़ा चेंज है, आप देखिए, जो लोग सोशल मीडिया से अवेयर नहीं है, इसका मतलब उन्हें नए प्रोडक्ट्स और नए सर्विसेज के बारे में, ये जो टेस्ट है, जो सर्वे है, मैं आपको इंस्टाग्राम यूजर्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उनका ये कहना है बेस्ड ऑन दिस सर्वे। देयर आर टू मैनी प्लेटफॉर्म्स ऑफ सोशल मीडिया, ये आप जानते हैं। दीज प्लेटफॉर्म्स हैव टेकन नोट ऑफ दैट द फैक्ट पीपल आर यूजिंग देम टू शॉप एंड हैव मेड इट इजियर टू सेल टू मर्चेंटाइज फॉर एनी वन एल्स। कहने का आशा यह है कि जो सोशल मीडिया के माध्यम से जो शॉपेबल पोस्ट क्रिएट की जाती हैं वो बहुत ईजियर हैं किसको जानने के लिए, नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में जानने के लिए, जो डायरेक्ट जो आपका सेलर है उसके सेल को बढ़ाते हैं। तो सोशल मीडिया का कितना बड़ा रोल है ये हम सब जानते हैं, और इस पॉइंट, इस सब कैटेगरी के माध्यम से भी हमने जाना कि शॉपेबल पोस्ट्स भी अपने आप में एक डिजिटल ट्रेंड बनता जा रहा है। तीसरा हम बात करेंगे, दो चीज़ें हमने बात करी कि जो शॉपेबल पोस्ट है वो क्या है, वॉइस सर्च हमारे को कैसे लाभ पहुंचा सकता है,
स्वैपेबल पोस्टर्स के और हमें क्या फ़ायदे हैं, ऐसे कहाँ कहाँ पर हम चीज़ें देखते हैं, आप मुझे बता सकते हैं। आप खुद भी अपना एनालाइज कर सकते हैं कि जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको कितने सारे अपने सोशल मीडिया पर जो है प्रमोशन टाइप के ऐड मिलते हैं जो हमारे ई कॉमर्स को डायरेक्ट बढ़ावा देते हैं। कौन कौन ऐसी चीज़ें हैं, जगहें हैं जहाँ पर डायरेक्ट प्रभाव है स्वैपेबल पोस्ट का फॉर ऑनलाइन रिटेलर्स। आप देखते होंगे बहुत सारे रिटेलर्स के आपको ऐड मिलते हैं और उनके प्रोडक्ट्स पेज आपको मिलते हैं, आप उस पर नए नए प्रोडक्ट सर्च कर सकते हैं। और यूटिलाइजेशन ऑफ सोशल कॉमर्स जिसको हम कह सकते हैं, लोग इस चीज़ को एक नए तरीके से देख रहे हैं कि जो न्यू कस्टमर्स हैं उनको नए प्रोडक्ट्स की जानकारी सोशल मीडिया से ही मिल जाए बजाय किन्हीं और माध्यमों से। तो इनडायरेक्टली ये भी एक तरीके से ब्रांड अवेयरनेस और ब्रांड प्रमोशन भी हो रहा है साथ साथ इंक्रीजमेंट ऑफ सेल के अलावा। सो ऐसे बहुत सारे जो वेरियर्स हैं इस तरह के डिजिटल ट्रेंड ने आज जो है ब्रेक कर दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं इमर्सिव टेक्नोलॉजी लाइक AR एंड VR। हो सकता है ये थोड़ा सा नई चीज़ है हमारे लिए, हमारे जो है विद्यार्थियों के लिए, कि जो AR है अर्थात ऑगमेंटेड रियलिटी क्या चीज़ है और जो VR है वर्चुअल रियलिटी क्या है। ये बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट है या टेक्नोलॉजी चेंज है आने वाले समय में। मैं संक्षिप्त रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है ये क्या चीज़ है, इसका क्या प्रभाव आने वाले समय में पड़ने वाला है, और जो वर्चुअल रियलिटी ये क्या चीज़ है, इस पर भी हम बात करेंगे। एक परिभाषा के तौर पर मैं बताता हूँ जिसको हमने कोट किया है विकिपीडिया से। विकिपीडिया का ये कहना है कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी है वो क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ अ रियल वर्ल्ड एनवायरमेंट। आप देखिए आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, आप अपने इंटरनेट इनेबल्ड डिवाइस पे काम कर रहे हैं, वहाँ पर आपको ऑगमेंटेड रियलिटी बिल्कुल ऐसे इंटरेक्ट करेगा जैसे आप रियल वर्ल्ड पे काम कर रहे हैं। ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स आपको एग्जाम्पल के लिए दिखेंगे जो आपको बिल्कुल रियल लाइफ में दिखते हैं, ये ऑगमेंटेड रियलिटी है। तो अगर हम ऑगमेंटेड रियलिटी को अपने बिजनेस में, अपने मार्केटिंग में, अपने ब्रांड अवेयरनेस के लिए इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके कस्टमर्स हैं उनको लुक एंड फील बिल्कुल वैसा आएगा जैसे उन प्रोडक्ट्स को फील करने में रियल लाइफ में उनको फील आता है ना। ऑगमेंटेड रियलिटी इज एन इंटरेक्टिव एक्सपीरियंस ऑफ रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट वेयर द ऑब्जेक्ट्स दैट रिसाइड इन दिस रियल वर्ल्ड आर इन्हेंस्ड बाई कंप्यूटर जनरेटेड परसेप्चुअल इंफॉर्मेशन। अर्थात कि जो भी चीज़ें आप देख रहे हैं कहाँ पर, वर्चुअल एनवायरनमेंट में, अपने कंप्यूटर पर, अपने अपने मोबाइल पर, वो बिल्कुल आपको लुक एंड फील वैसा दिखेगा अगर हम कह रहे हैं कि ये क्या है, ऑगमेंटेड रियलिटी की टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे कि आपको रियल लाइफ में दिखता है। अगर ऐसा होने लगेगा तो आप समझिए कि आपका जो जो एक्सपीरियंस है, जो एक्सपोजर है, वो कितना गुना बढ़ जाएगा। इट इज एस्टिमेटेड दैट अप्रॉक्सीमेटली 100 मिलियन पीपल विल यूज क्या, ऑगमेंटेड रियलिटी टू शॉप ऑनलाइन इन स्टोर्स। अगर मैं किसी स्टोर पे, किसी मार्केटिंग के रिटेलर के शॉप पे जाता हूँ तो मेरे को सामान खरीदने का लुक एंड फील अलग होता है। मैं प्रोडक्ट्स को देखता हूँ, टच करता हूँ, फील करता हूँ, महसूस करता हूँ, तब जाके मैं खरीदता हूँ। अगर यही काम मुझे ऑनलाइन शॉपिंग पर मिल जाए तो मुझे लगता है कि मेरा जो असेसमेंट है प्रोडक्ट के प्रति और बेहतर हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड यूज ऑफ ऑगमेंटेड रियलिटी AR इन बिजनेस मार्केटिंग। आगे पढ़ते हैं वर्चुअल रियलिटी क्या चीज़ है। वर्चुअल रियलिटी इज अ सिमुलेटेड एक्सपीरियंस दैट कैन बी सिमिलर और ऑफ वर्चुअल रियलिटी दैट कैन इंक्लूड क्या कर सकते हैं, जैसे जैसे कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड मगर सच में नहीं है, जैसे नाम से पता लग रहा है वर्चुअल, वर्चुअल मतलब नॉट इन एक्चुअल बट इट हैपन्स। जैसे एग्जाम्पल के लिए एक टेलीविजन पर लाइव मैच चल रहा है मगर टेलीविजन पर लाइव मैच नहीं चल रहा, मैच तो कहीं और लाइव चल रहा है मगर हम देख रहे हैं उसको लाइव। तो दिस इज कॉल्ड वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी सिम्युलेटेड, नाम से ही हमें पता लग रहा है, सिम्युलेटेड एक्सपीरियंस है दैट कैन बी सिमिलर टू और कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड। है सच में डिफरेंट मगर सच है वही है। एप्लीकेशंस ऑफ रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी कैन इंक्लूड एंटरटेनमेंट, जैसे गेम्स में हम वर्चुअल रियलिटी बहुत जगह देखते हैं, कार वाला गेम हमारे जो छोटे टीनेज के बच्चे बहुत खेलते हैं। एजुकेशनल पर्पज़ में हम देख सकते हैं, जैसे जैसे सपोज एक ह्यूमन बॉडी का है तो उसमें हमें एज इट इज़ ऑपरेशन करना हो दिखा सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, ये डेफिनेशन भी हमने जो है विकीपीडिया से लिया है, इसका क्रेडिट भी थैंक्स टू विकीपीडिया कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देता है। अब हम बात करते हैं कि जो ऑगमेंटेड रियलिटी या जो वर्चुअल रियलिटी है वो कैसे मार्केटिंग ट्रेंड बनते जा रहे हैं, ये मैंने आपके सामने कुछ उदाहरण रखे, और ऐसे आने वाले समय में हम बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों पर डिपेंडेंट होंगे। तो हमें बींग अ टेली मार्केटर, बींग अ पर्सन ऑफ टेक्नोलॉजी या फ्यूचर टेक्नोलॉजिस्ट, इन सब चीज़ों को अपने जहन में रखना होगा, स्ट्रेटजी में रखना होगा जब हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। इंटरेक्टिव
कंटेंट, ये बहुत ज़रूरी है। हम चौथे सब कंटेंट पर, सब सब कंपोनेंट पर बात कर रहे हैं किसके, डिजिटल मार्केटिंग के, जो न्यू ट्रेंड्स में हमने शामिल किए हैं, जो टॉप ट्रेंड्स कह सकते हैं इनको हम। कंटेंट मार्केटिंग विल शिफ्ट इट्स अ फोकस टू गिव द पीपल व्हाट दे वांट। कंटेंट मार्केटिंग बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, जो आज के समय में हमने देखा शॉपेबल पोस्ट के रूप में हमने बात करा, AR VR के रूप में बात करा, ये सब चीज़ें हम मिला करके हम कह सकते हैं, वीडियो कह सकते हैं, क्विजेज कह सकते हैं, और बहुत सारे पोल्स ऐसे कंपनीज कराते हैं फॉर एग्जांपल के लिए। ये सारा कुछ सारा क्या है, इंट्रैक्टिव कंटेंट है। आप पहले कंटेंट क्या था, सिर्फ आपको टेक्स्ट के रूप में हम जानते थे, कुछ लिखा पढ़ा, लिखा हुआ मिल गया, हमने उसको पढ़ लिया, हमने कहा कंटेंट है, फिर हमने कुछ वीडियो देख लिया। अब कंटेंट की जो क्वालिटी है, जो कंटेंट मार्केटिंग की जो क्वालिटी है, वो कैसी होती जा रही है धीरे धीरे, इंट्रैक्टिव। इंट्रैक्टिव का मतलब जहाँ पर आपके व्यूज़ भी मायने रखते हैं, आप भी अपनी अपनी जो है चॉइस दर्ज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ एग्जांपल हमने आपके सामने साझा किए किसके, इंट्रैक्टिव कंटेंट के। और क्या इंट्रैक्टिव कंटेंट हमें फ़ायदा देता है, हम इंट्रैक्टिव कंटेंट के माध्यम से यूजर चॉइस जान सकते हैं और यूजर चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी स्ट्रेटजी को रिफाइन कर सकते हैं, ये एक फ़ायदा है। आगे बढ़ते हैं, पांचवा जो है सब कंपोनेंट किसका, विजुअल सर्च पर हम बात करेंगे, किसका सब कंपोनेंट, डिजिटल मार्केटिंग का टॉप कंपोनेंट्स पर हम बात कर रहे हैं। क्या है विजुअल सर्च, आज तक हम क्या करते थे, लिख के सर्च, टेक्स्ट सर्च करते थे, फिर हमने वॉइस सर्च आपको बात कराया। तो इन टॉप ट्रेंड्स में क्या शामिल है, विजुअल सर्च भी। आपने एक इमेज दी, आपने कहा इस जैसी इमेज ढूंढ के ला जाइए, तो सर्च इंजन आज इतने कैपेबल हो गए हैं तो आपको उस तरह का सर्च ढूंढ के दे सकते हैं, ठीक है। विजुअल सर्च इज जस्ट यूजिंग इमेजेस इंस्टेड ऑफ कीवर्ड्स इन टेक्स्ट फॉर द सर्च इंजन, ऑलरेडी यूज इन बीटा वर्जन बाई पिंटर्स, गूगल एंड वर्चुअल सर्च एंड सो ऑन। ऐसे बहुत सारे जो है जगहें हैं, सर्च इंजन हैं, जो आपके विजुअल सर्च को तरजीह देते हैं बजाय टेक्स्ट के। तो हर चीज़ें हम टेक्स्ट में सर्च नहीं कर सकते ना, इसलिए ये भी एक फैसिलिटी, ये भी मार्केटिंग ट्रेंड बनता जा रहा है। स्मार्टर चैट, ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। चैट बॉट्स, आपने नाम सुना होगा, जिसमें रोबोट काम करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही इसके बिहाइंड काम करती है, कि आज तक जो चैटिंग आपसे होती थी, ह्यूमन टू ह्यूमन जनरली हम लोग चैट करते थे। अगर मुझे किसी सेल्स पर्सन से कम्युनिकेट करना है, या तो हम फ़ोन पे बात करेंगे या हम चैटिंग पे भी बात कर सकते हैं, और दूसरी साइड कौन होता है, तब भी ह्यूमन होता था। लेकिन अब क्या आ गए हैं, चैट बॉट्स। इसका क्या फ़ायदा है, इसका फ़ायदा ये है कि अगर एक बार में एक ह्यूमन, एक एक कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव मुझे हेल्प कर रहा है, मुझे चाहिए हो रहा है, कुछ जानकारी चाहिए हो रही है, तो वो एक बार में एक ही को डील करेगा। इन चैटबॉट्स ये बहुत सारे लोगों को एक साथ जो है डील कर सकते हैं, तो कंपनी को फ़ायदा है, कंपनी एक साथ हज़ारों कस्टमर्स को एंटरटेन कर सकती है और कई सारे सवालों के जवाब दे सकती है। तो ये भी स्मार्टर चैट आप देख सकते हैं, जो ठीक ठाक ब्रांड्स हैं, जो टॉप ब्रांड्स हैं, जो जिनके सर्विसेज प्रोडक्ट्स हैं, अगर उनकी वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे, उनके ऐप पे विजिट करेंगे, तो आपको वहाँ पर स्मार्टर चैट का ऑप्शन मिलेगा। बहुत सारे, मैं उदाहरण के लिए HDFC का नाम दे रहा हूँ, उनके यहाँ पर जो है स्मार्टर चैट उन्होंने इस्टेब्लिश किया। ऐसे बहुत सारे होंगे, मैं नहीं जानता कि कितने लोगों ने स्मार्टर चैट अपने जो है एप्लीकेशन में इस्तेमाल कर लिया, बहुत सारे हैं। ये भी एक ट्रेंड बनता जा रहा है। इसका क्या क्या फ़ायदा है, जैसा हमने आपको बताया कि दे ऑफर रियल टाइम असिस्टेंस। अब रात के 12 बजे भी आपको यूज़ करना है, तो उसके लिए कुछ कंपनीज के कॉल सेंटर तो 24/7 आवर्स खुलते हैं, लेकिन जब चैटबॉट उस पर इस्टेब्लिश हो जाएंगे, उनको इम्पोज कर दिया जाएगा, तो वो आपके जो असिस्टेंस की जो क्वालिटी है, जो जो कम्युनिकेशन है, उसको और बढ़ा देंगे, लगातार काम करेंगे। तो ये हमने फ़ायदे बताए आपको किसके, स्मार्टर चैटबॉट्स के। तो आगे बढ़ते हैं, हम आज के इस लेक्चर को जो है समराइज करने की कोशिश करेंगे कि आज हमने अपने जो है विद्यार्थियों के साथ, अपने छात्रों के साथ क्या क्या चर्चा करी। डिजिटल मार्केटिंग कवर्स ऑल मार्केटिंग एफर्ट्स दैट यूज इंटरनेट। जहाँ कहीं पर भी इंटरनेट का इस्तेमाल होता है आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज को बढ़ावा देने के लिए, हम उन सब चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग में कवर करते हैं। यूजिंग सोशल मीडिया, यू कैन नॉट ओनली शेयर पर्सनल पिक्चर्स। जनरली हम लोगों का ट्रेंड ये रहता है कि जो सोशल मीडिया है उसके माध्यम से हम कुछ कुछ इमेजेस शेयर कर सकते हैं, कुछ अपनी व्यूज शेयर कर सकते हैं, बशर्ते हम ये नहीं जान रहे होते हैं कि जो सोशल मीडिया है उसका इस्तेमाल हम अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, अपने कस्टमर गेन करने के लिए, अपने बिजनेस को इनलार्ज करने के लिए भी कर सकते हैं। और हम क्या कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग से, वेरियस चैनल्स हैं डिजिटल मार्केटिंग के, जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को लोगों तक पहुँचा सकते हैं। जैसे हमने शुरुआत में भी आपके साथ चर्चा करी थी, SEO सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हमने कहा था, जिससे हमारी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ती है, ताकि कोई भी हमें इंटरनेट पर सर्च करे तो हमारे
जो वेबसाइट हैं, जो वेब पेजेस हैं, वो टॉप रैंक पे आने लगते हैं। हम कंटेंट मार्केटिंग के माध्यम से, कंटेंट मार्केटिंग का मतलब क्या है कि कहीं पर आपने ब्लॉग लिखा, कहीं पर कुछ पोस्ट लिखा, किसी डिस्कशन फोरम में आप शामिल हुए, ये सब चीज़ें क्यों आप कर रहे होते हैं? ताकि आप अपनी मार्केटिंग को लोगों तक पहुँचा सकें, बढ़ावा दे सकें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की हमने बहुत सारी बात करी, पे पर क्लिक, पीपीसी हम कहते हैं, तमाम ऐसे ऐड होते हैं जिस पर आप पे पर क्लिक पर काम करते हैं। हमने गूगल असिस्टेंट्स पर बात करा, वॉइस असिस्टेंट पर हमने, एलेक्सा की हमने बात करी, हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पावर्ड जो एप्लीकेशंस हैं सच दैट, हमने इसके रूप में आपके साथ बात करा स्मार्ट चैट बोर्ड का, ऐसे बहुत सारे हैं जिन पर हम आगे भी बात करेंगे। ये सब चीज़ें हमारे लेक्चर का विषय, आज का विषय थी जिस पर हमने बात करना चाहा, क्या क्या ऐसे ट्रेंड्स हैं जो डिजिटल मार्केटिंग को बढ़ावा दे सकते हैं, जो आपके बिजनेस को ग्रो कराने के लिए मददगार होंगे। तो आज के व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि ये व्याख्यान आपको पसंद आया होगा। इसी कड़ी में हम नए व्याख्यान के साथ आपको आगे मिलेंगे। आज के लिए धन्यवाद। नमस्कार।